तो आपने अभी अभी क्लास 10th पास किया है और क्लास 11th में जाके साइंस स्ट्रीम लेना है, बट कंफ्यूज्ड है कि पीसीएम ले, पीसीबी ले या पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों सब्जेक्ट ले। ये कंफ्यूजन तो हो गई। इसके लिए काश ये चीज मुझे किसी ने मेरे टाइम पे बता दी होती। जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर उनको इंजीनियरिंग साइड में जाना है, जेई मेंस एडवांस करना है, तो पीसीएम ले लेते हैं मैथमेटिक्स। अगर उनको नीट या मेडिकल फील्ड में जाना है तो पीसीबी ले लेते हैं बायोलॉजी। जो लोग पीसीएमबी लेते हैं उनको ना बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आईआईटी बैंगलोर अब मेन एडवांस्ड नीट आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट इनके थ्रू भी एडमिशन लेता है। अब ऐसे में दिक्कत क्या आती है कि आईएससी बैंगलोर मैथमेटिक्स को कंपलसरी कर दिया है, तो नीट के स्टूडेंट्स को भी मैथ्स करना पड़ेगा, होना चाहिए क्लास 12th में अगर आईएससी में जाना है। इसी तरह बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक आइजर्स जिनके क्वेश्चन पेपर में मैथमेटिक्स भी आती है, तो जो लोग पीसीएमबी लेते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पीसीएमबी लो, थोड़ा सा हार्ड होगा मैनेज करने के लिए, बट बाद में आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। और डिटेल्स के लिए sayastra.com विजिट।